एडेक्स सर का जवाब नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा फफूंद नाशक है जो आपके उपज में बढ़ोतरी के साथ फफूंद के लिए भी प्रिवेंटिव अच्छे से काम करता है। वैसे ये शीत ब्लाइट के साथ साथ अन्य रोगों पर भी अच्छे से काम करता है, लेकिन इसकी खासियत ये शीत ब्लाइट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। इसके अदर इंग्रेडिएंट्स में कैल्शियम और फिनोल होने के कारण फसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है। इस वीडियो में हम इसके टेक्निकल के साथ साथ हम इसके स्प्रेइंग की मात्रा, ये कौन से रोगों पर कैसे काम करता है और भी जानेंगे एडेक्सर के बारे में बहुत कुछ। आप सिर्फ वीडियो को अंत तक देखकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने का प्रयास करें। तो एडेक्सर का कंटेंट फ्लुक्सापाइरोक्सेड 62.5% और इपोक्सिकोनेजोल 62.5% इसी फॉर्मुलेशन में उपलब्ध है। इसका पहला कंटेंट यानी फ्लुक्सापाइरोक्सेड जो मेरिवान में भी है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमने मेरिवान के वीडियो में दी है, आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। और रही बात दूसरे कंटेंट की, इपोक्सिकोनेजोल जो ट्राइजोल ग्रुप में आता है, आपको पता ही है कि ट्राइजोल ग्रुप के फफूंद नाशक कितने बढ़िया काम करते हैं। आप जैसे कि स्कोर, सिस्टेन, आपको पता ही है, यह धान, गेहूं, टमाटर, मूंगफली और सेब में आने वाले शीत ब्लाइट के नुकसान से भी बचाता है, जो आज की बहुत बड़ी समस्या है। और इसके साथ यह एंथ्रेक्नोज, अर्ली ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, पोट्राइटिस पे भी अच्छे से प्रिवेंटिव काम करता है। इसका स्प्रेइंग के वक्त पीएच करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसलिए स्प्रेइंग के वक्त पानी का पीएच 6 पर करें। अगर आपने स्प्रेइंग किया और बाद में अगर बारिश होती है, अगर 5 घंटे के बाद बारिश हुई होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 घंटे के अंदर बारिश हुई होगी तो एडेक्सर के रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। एडेक्सर स्प्रेइंग के लिए 300 मिली 200 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें, और छिड़काव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। भाइयों, आपने इस चैनल को सिर्फ 2 महीने हुए और आपने जो इतने कम वक्त में इतना ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और जो नए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान।